औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नकली क्राइम ब्रांच बंद कर लूटने वाले दो आरोपी सहित एक महिला सहयोगी को पुलिस ने पकड़ा है। तो वहीं दूसरे मामले में 10,000 का इनामी बदमाश से 25 क्विंटल सोयाबीन और एक स्कूटी जब्त की है। पीथमपुर नगर पुलिस अधीक्षक तरुणेंद्र सिंह बघेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि कुछ दिन पूर्व सचिन प्रजापत अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी महू नीमच रोड पर एक महिला ने हाथ देखकर रोका। वह रुका तो उस महिला ने उससे कहा कि उसको प्रतिभा कंपनी जाना है, उसे प्रतिभा कंपनी के रास्ते तक छोड़ दे। पीड़ित सचिन ने महिला को मोटरसाइकिल पर बिठाया कर प्रतिभा कंपनी की तिराहे पर पहुंचाया और उस महिला से बात कर रहा था कि तभी एक मोटरसाइकिल पर दो लोग आए और उसको डराने धमकाने लगे और बोला कि यहाँ पर लड़की लेकर खड़ा है, तुझे लड़की के केस में बंद कर देंगे, हम क्राइम ब्रांच के लोग हैं। मौके पर 3,000 रुपए ले लिए और अगले दिन दोनों बदमाशों ने फोन लगाकर 50,000 रुपए की मांग की। सचिन प्रजापत ने थाने पर FIR दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया। पुलिस ने नकली क्राइम ब्रांच बनकर लूट करने वाले दो आरोपियों सहित एक महिला सहयोगी को धर दबोच लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है, पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं। वहीं दूसरे मामले में पीथमपुर पुलिस ने लूट के 7 मामलों में फरार 10,000 का इनामी बदमाश कल्लू को पकड़ा है, जिसके पास से पुलिस ने लूटी गई एक स्कूटी और 25 क्विंटल सोयाबीन जब्त किए हैं। आरोपी कल्लू पर अलग अलग स्थानों पर 6 प्रकरण दर्ज हैं और 10,000 रुपए का इनामी बदमाश है बताया जा रहा है। फिलहाल सभी आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। भारतीय न्यूज के लिए पीथमपुर से कामिल मेहर की रिपोर्ट। कल अप्रैल 5 में एक महिला ने शांति लाल से लिफ्ट लिया कि मुझे छोड़ दीजिए प्रतिभा सिंटेक्स में। वो प्रतिभा सिंटेक्स छोड़ने गया, इसी बीच 3 आरोपियों ने उसको, तुम गलत लड़की को अपने साथ लिए घूम रहे हो इस टाइप का करके 3,000 रुपये ले लिया और 30,000 रुपये की और मार करने लगे। शांतिलाल ने तत्काल पुलिस को खबर की, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो वो तीनों आरोपी जिनके नाम हैं संजय, मनोज और संगीता, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पीथमपुर थाने में अपराध धारा 420 एवं 384 भारतीय दंड संहिता का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बताया जा रहा है सर कि कुछ क्राइम ब्रांच की टीम बनने की बात कही जा रही है। वो तीनों क्राइम ब्रांच की टीम बताए कि मैं क्राइम ब्रांच का हूँ जो फर्जी। देपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सातेर गांव है जहाँ पर एक मरणासन्न व्यक्ति विवेक मिला था, जिसका देपालपुर पुलिस ने मेडिकल उपचार कराया और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि सागर कुटी से एक दो आदमी मुझे ले आए थे और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की एवं मेरी स्कूटी और मोबाइल छुड़ा लिए। देवालपुर पुलिस ने इसको थाना पीथमपुर की घटना होने से पीथमपुर डायरी भेजा और यहाँ पर श्री आदित्य प्रताप सिंह पुलिस से धार के कुशल मार्गदर्शन में उनके निर्देशन में थाना प्रभारी तारे सोनी और उनकी टीम ने दो आदमियों को पकड़ा, जिसमें एक का नाम कल्लू और दूसरा नाम कुक्कू। उनसे स्कूटी बरामद कर ली एवं मोबाइल बरामद कर लिया। तो इसके 7 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं, उसमें सादलपुर, भाटा, बिल्लौर, पीथमपुर, सेक्टर 1 और नागलवाड़ी में ट्रैक्टर चोरी, आइसर चोरी एवं अनाज का अफरा तफरी इसके मामले दर्ज, जिसमें पुलिस अधीक्षक धार ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। तो पीथमपुर की ये बड़ी कार्रवाई। Subscribe now to most exciting channel ever.